अस्सलामुअलैकुम प्रॉपर्टी प्लानट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर अहमद हाज़िर है एक नई प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो घर है ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन, टॉप फ्लोर पे देख सकते हैं कि आसपास जो है वो सारे घर बने हुए हैं। 40 फीट का इसके सामने कारपोरेट रोड है और घर के जो टॉप फ्लोर पर वाटर प्रूफिंग है वो भी मार्बल की हुई है। ये देखें बड़े साइज़ की यहाँ पर ममटी है। छत के ऊपर आपके लिए बारबेक्यू का भी यहाँ पर इंतज़ाम है। ये देखें अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दी गई है, और रॉक वॉल का जो इस्तेमाल है वो भी यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये आपको फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया मिल जाता है। ये देखें काफ़ी कुशादा, और ये स्टेज जो है ऊपर ममटी की तरफ जा रही है। तो नाज़रीन ऐसे में ऊपर से नीचे आया और ये ममटी से नीचे जैसे ही आप उतरते हैं तो सामने ही आपको ये डीवी मिलती है। ये देखें 220 वोल्ट्स, और ये ओपन किचन फर्स्ट फ्लोर पर। इसकी जो कैबिनेट्स हैं वो आप देख सकते हैं यूवी शीट में है, और यहाँ पे किचन काउंटर टॉप स्लैब और जो एक्सेसरीज़ हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। ये देखें यूवी शीट का ये वाला टेक्सचर। नाज़रीन इसके अलावा आपको कोरोना कंपनी का यहाँ पे होम मिल जाता है, और ये ऑटोमेटिक है। इस तरह ये देखें टच करने से क्लोज़ हो गया और ये टच करने से ऑन हो गया। इसके साथ जो बर्नर है वो आपको ये फैंडी का मिलता है, और मोटिव टायर्स जो हैं वो इस तरह से हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बटन्स हैं स्विच बटन्स वो डिफरेंट हैं। ये देखें ये वाले हैं इस तरह के, और बड़े सोफिस्टिकेटेड से नए अंदाज वाले, और ड्रार्स, और ये जो डोर है ये डायरेक्ट आपका टेरेस के ऊपर खुलता है। ये टेर पेरगोला भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दिया गया है, उसके ऊपर रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपकी लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए दिया गया, और ये फ्रंट एलिवेशन पे टाइल वर्क जो है देखें कितना खूबसूरती के साथ किया गया, और लाइटनिंग का वर्क। और यहाँ पे ये जो ग्लास वर्क आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट एलिवेशन की तरफ आपको बाथरूम मिलेगा, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें नीचे बड़े साइज़ की 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल है, और ये आप देख सकते हैं जैसे बड़े घरों में स्टेयर्स होती हैं डबल, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी मिल रही है। ये आप नीचे से आ रहे हैं, ऐसे निशेज़ का इस्तेमाल हर जगह जो है वो किया गया है। इवन जो स्टेज के बैक साइड है उसको भी ये देख, और डिकोर वर्क से खूबसूरत बनाया गया। तो नाज़रीन फर्स्ट फ्लोर का किचन जो है वो विज़िट करने के बाद आपको लिविंग एरिया दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से आप एलईडी पॉइंट आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। तो एलईडी पॉइंट में ये देखें 3D वॉलपेपर और लाइटनिंग कितनी खूबसूरत, और ये देखें रैक्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए, और ये यहाँ पे एलईडी कैबिनेट। तो नाज़रीन टीवी लाउंज अगर मैं अनदर कॉर्नर से आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। इंतहाई खूबसूरत लग्जरी किस्म का आपको व्यू मिल रहा है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2 बेडरूम्स मिलेंगे, वो सामने वाला किचन, ये हमारा बैक साइड वाला रूम आ गया, और रूम के साथ ही एक स्टोर रूम भी दिया गया। तो डबल किचन के साथ स्टोर रूम की फैसिलिटी मौजूद है। आमतौर पर स्टोर रूम्स में वेंटिलेशन नहीं होती, तो ये देखें यहाँ पे वेंटिलेशन का भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है इस तरह से। नहीं, अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट एलिवेशन बैक साइड पर जो मास्टर बेडरूम है वो दिखाते हैं। ये इस तरह से बिल्कुल स्क्वेयर शेप में है, कोई यहाँ पर कैबिनेट का स्विच बोर्ड सॉकर्स जो हैं वो काफ़ी नए अंदाज के हैं। निशेज़ का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया, और ये देखें लाइटनिंग और ओवरऑल जो एक डिकोर वर्क है, सीलिंग वर्क वो काफ़ी डिसेंट रखा गया है। वो सामने एलईडी पॉइंट आप करीब से देखें, और ये ग्रिल वर्क, और यहाँ पे आपको ड्रेसिंग जो है वो देखें अलग से मिल जाती है। ड्रेसिंग के अंदर ही वार्डरोब टेक्टाइल कंपनी की यहाँ पर यूवी शीट्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा इसके साथ अटैच बाथरूम, यहाँ पे कमोड की फैसिलिटी, ये डेल यहाँ पे यूज़ की गई है, और जो फैसल है उसकी सैनिटरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ये देख सकते हैं नीचे जो टाइल है उसका टेक्सचर इस तरह से। ये देखें दरवाज़े यहाँ पे सारे जो हैं वो वुड में और बेहतरीन अंदाज में लगाए गए हैं, और ये आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये बड़ी सी एक वेंटी। शावर का जो पार्ट है उसको अलग किया गया, ये देखें यहाँ से ये ग्लास वर्क के साथ शावर का पार्ट अलग किया गया है, और ये फैसल की सैनिटरी और इसकी जो वेंटिलेशन है वो भी इधर से की गई है।
ये देख सकते हैं आप इस तरह से। थ्री बेडरूम्स के साथ आपको अटैच वाशरूम मिलते हैं, इसके अलावा पाउडर रूम की फैसिलिटी जो है वो सेपरेट है। अब आपको फ्रंट एलिवेशन की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है वो दिखाते हैं, और ये इस तरह से आप देखें। यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि जो वार्डरोब्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको डिफरेंट एरिया में अकोमोडेट किया गया था कि जो बेडरूम है उसकी खूबसूरती में कमी ना आए, और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वार्डरोब है वो इस तरह से अंदर करके बनाई गई है ताकि एक तो डोर भी आसानी से बंद हो जाए, और बैक साइड पे ये वॉल के अंदर जो है वो इसको इंस्टॉल्ड किया गया, और साथ में ये वाला एलईडी पॉइंट। वॉशरूम की बात की जाए तो इसके साथ इस तरह से आपको अटैच बाथरूम मिलता है, इसके साथ भी वैनिटी कमोड, और ये देखें यहाँ से सनलाइट आ रही है। यहाँ पे तो आपको इस बात की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, नाउ लेट्स मूव टू द ग्राउंड फ्लोर। इसकी जो प्राइस है वो भी आपके साथ डिस्क्लोज़ करते हैं। ये इस तरह से आपने नीचे जाना है, ब्लैक मार्बल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और नीचे इसका इस्तेमाल ये देखें। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो स्टेयर्स हैं वो गैराज से हैं, आप इजीली इसको रेंट आउट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये देखें बड़े साइज़ का ये डोर है, हाइटेड, फुल हाइटेड डोर्स हैं यहाँ पे हर तरह के, और ये गैराज, बड़ी साइज़ की जो गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क हो सकती है। यहाँ पे थ्री एंट्रेंसेस आपको मिलती हैं। ग्राउंड फ्लोर दिखाने से पहले मैं आपको इस घर की जो फ्रंट एलिवेशन है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ी गाड़ी का यहाँ पे गैराज, और ये देखें इसकी फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन पे रॉक वॉल का और टाइल का जो यूज़ है वो किया गया। करीब से अगर आपको दिखाया जाए तो ये टाइल वर्क और ऊपर रॉक वॉल, वो छत के ऊपर में था, और अभी आप ये इस तरह से करीब इसको देख सकते हैं। इसके सामने जो ग्रीन बेल्ट है वो देखें इस तरह से, उसको भी खूबसूरत बनाया गया। तो नाजर, थ्री मेन एंट्रेसेस आपको मिलती हैं। ये मेन एंट्रेस, और ये आपका खूबसूरत सा ये टीवी लाउंज, और ये शैंडलर वर्क, ये एलईडी पॉइंट आपका, और निशेज का इस्तेमाल हर जगह, और ये आपका ड्राइंग रूम। ये देखें ड्राइंग रूम के भी दरवाज़े काफ़ी हाइटेड हैं, कॉर्नर विंडो। तो नाज़रीन, कॉर्नर विंडो जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, और यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं वो काफ़ी पसंद आए मुझे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको बीम लगा के सेपरेट किया गया है। तो नाज़रीन, अभी ग्राउंड फ्लोर पे ये सारा मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ, ये ड्राइंग रूम और इसके साथ ये लिविंग एरिया। अच्छा, यहाँ पे पाउडर रूम भी है, और ये मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। नीचे बड़े साइज़ की टाइल, तीन पलों के साथ यहाँ पे कैबिनेट, बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया, ये ग्रिल, और ये वाली आपकी एलईडी पॉइंट, और ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम के साथ वाशरूम। इसके साथ जो आपको मिल जाता है किचन। तो नाज़रीन, घर इंतहाई खूबसूरत है, प्यारा है। इस घर की जो डिमांड है 1,55,00,000 रुपए कैश कीमत है, इंस्टॉलमेंट पे ये नहीं है। ये आप सारा ओवरऑल जो है वो देख सकते हैं। जी ब्लॉक है, फुल आबादी वाला, पॉपुलेटेड। ये ग्रिल के मज़े आपने अगर लेने हो, बारबेक्यू के, वो भी आपको ऊपर बना के दिया गया। तो अब क्या रह गया हमारा, लास्ट पे पाउडर रूम रह गया। ऊपर तो मैं सारा दिखा चुका हूँ आपको, डिमांड भी मैंने आपको बता दी, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं एक नई प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।